जिस तरीके से देखा जाता है कि सोशल मीडिया हो या अन्य जगह हो, भाजपा लगातार दावे करती है कि दलित और पिछड़ों को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार देखा जाता है जिस तरीके से सोशल मीडिया से लेकर के अन्य जगह तक, यानी कि लगातार देखा जाता है, यानी कि मैदान पर हो या बात हो, सोशल मीडिया पर लगातार टिप्पणी की जाती है इस बात की कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें चल के आती है कि हमारे द्वारा जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, सभी को हमारे द्वारा जो है एक अच्छी जगह पर लाया जा रहा। लेकिन आज यहाँ किस जगह पर ला के पटका गया है उन आदिवासी, उन पिछड़ों को, जो वो गरीब वर्ग है उनको, आप स्पष्ट आज देख सकते हैं कि बीजेपी का एक बड़ा चेहरा देखने को मिल पा रहा, जो इंसानियत को शर्मसार कर रहा, जो लगातार सीधी जिले को ही शर्मसार कर रहा, एक जहाँ सीधी जिला कहीं ना कहीं एक अच्छे श्रेणी में एक नाम आता रहा, लेकिन वहीं अब बदनाम की श्रेणी में आ चुका है, और वो भी जो है भाजपा के कुछ नेताओं के चलते। हालांकि ये मेरा कहना नहीं है, ये समाज का कहना है और सोशल मीडिया पर कहना है, लगातार देखा जा रहा है। आज मैं इस टाइम पर खड़ा हूँ जहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये अम्बेडकर चौक है, जहाँ संविधान निर्माता अम्बेडकर के जो है स्टैचू के जस्ट बगल में मैं खड़ा हूँ, सीधी के कलेक्ट्रेट चौक पर, जहाँ इस तरीके से बातें चलकर सामने आ रही है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि एक पेशाब करता हुआ व्यक्ति, जो कि काफ़ी शर्मनाक है कि एक इंसान के ऊपर ही वो जो है पेशाब करता नज़र आ रहा, सोशल मीडिया पर ये तेज़ी से वायरल हो रहा है और इस पर कई टिप्पणियां चलकर सामने आ रही, और इसी टिप्पणी पर जो है शिवराज सिंह के द्वारा भी ट्वीट कर दिया गया है। यहां तक कि शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा ये चीज़ें कही जा रही हैं कि उस व्यक्ति पर जो है NSA लगाया जाए। अब इस बात पर जो है यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर कुछ नेताओं में भी जंग छिड़ी हुई है, जहाँ कि आपको बताता चलूँ कि चाहे मुख्यमंत्री हों या जो यहाँ के कुछ नेता हों, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें चलकर सामने आ रही कि जिस तरीके से ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, एक से बढ़ के एक व्यक्ति देखे जा रहे हैं इस सोशल मीडिया पर कि लोगों के द्वारा टिप्पणी हो रही, इसमें जो है कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो शोषित व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा कई सारी टिप्पणी भी की जा रही है कि आखिर में यही है क्या बीजेपी का चेहरा। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंडित केदारनाथ शुक्ला, जो कि सीधी जिले के जो विधायक हैं, वो विधायक के प्रतिनिधि बताए जा रहे हैं, जहाँ पर उन्हीं के पुत्र यानी कि गुरदत्त शरण शुक्ला, साथ में उनको मालिक के नाम से जाना जाता है सीधी इस जिले में, जहाँ की उनके साथ ही पोस्टर छपा हुआ है, और दूसरी तरफ विधायक का स्टेटमेंट जो है देखा जा रहा है कि उनका कहना यह है कि ये मेरा कोई व्यक्ति नहीं है, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, ये विधायक प्रतिनिधि भी नहीं है, यहां तक कि आपको उनका भी बयान देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जहां लगातार देखा जाता है कि बीजेपी का पोस्टर पर कोई भी व्यक्ति क्या फोटो लगा के छपवा के और चौराहे पर खड़ा कर देगा, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या आपने कभी जांच पड़ताल करवाया कि क्या ये जो है सही है या नहीं है, कई सारी बातें चलकर सामने आती हैं, जहां पर कहीं ना कहीं एक शर्मनाक चेहरा बीजेपी का, या कहूं कि शोषित चेहरा जो कि गरीबों का शोषण हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। ये लगातार आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये एक व्यक्ति है जो कि एक इंसान पर ही, यानी कि इंसान ही है, और इंसान पर ही ये पेशाब करता नज़र आ रहा, कहीं ना कहीं ये बेहद शर्मनाक बात है। लगातार जुड़े रहिए, खास अपडेट के साथ फिर हाजिर होता हूँ तरंग 24 न्यूज़ पर। मैं रवि कुमार पांडे, कैमरा मैन सुधांश के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के संज्ञान में आया सीधी में बहरी थाना क्षेत्र में ग्राम कुबरी का एक वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें एक दशरथ रावत नाम के युवक को आइडेंटिफाई किए हैं, साथ उसके ऊपर गलत हरकत कर रहे हैं कर रहा है प्रवेश शुक्ला, दोनों एक ही गांव के रहना अभी तक पता चला है। इस घटना को लेकर अपराध की कायमी कर ली गई थाना बहरी में, आरोपी को पकड़ने के लिए हमारी टीमें गई हुई, सख्त कार्रवाई की जाएगी, साथ ही NSA की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, किन किन धाराओं में भी अपराध पंजीबद्ध किए गए? इसमें जो प्रथम दृष्ट है उसमें दिख रहा है, उसमें हमारे द्वारा 294, 506 भारतीय दंड विधान, 700 SC ST Act के तहत भी कार्रवाई की। ठीक सर, थैंक यू।